बच्चों जैंत बच्चो मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइन अकेडमी डेली आज हम लोग रीजनिंग का एक सेट करेंगे जिसमें ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है एक क्वेश्चन आएगा उसके चार साथ चार ऑप्शन होंगे स्लाइडिंग में क्वेश्चन चलेंगे आप लोग साथ साथ आंसर देते रहेंगे मैं सही आंसर आपको तो बताता रहूंगा कौन सा राइट है और आप लोग अपने नंबर कैलकुलेट करेंगे और जब सेट समाप्त होगा हमारा ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो अपने नंबर बताएंगे कितने आए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले हम लोगों ने आज दो सेट करेंगे हम लोग एक रीजनिंग का है और एक जनरल स्टडी का है पहले हम लोग जनरल स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज बाबर डिफीटेड राबर ने सांगा को किस युद्ध में पराजित किया था युद्ध में हराया था बताइए बच्चों आंसर आप लोग साथ साथ देते रहे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सेकंड। खारवा का युद्ध जो कि सत्ताईस में हुआ था मार्च महीने में चलिए अगला क्वेश्चन करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन नंबर विच कैन बी इश्यूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और फॉर एनी अदर पर्पस बताए जरा उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य उद्देश्य से निर्मित की जाने वाली परमादेशों के प्रकारों की संख्या बताइए कितनी है बताइए जरा कितनी अधिक कितने परमादेश है कितनी रेट है बच्चों टोटल ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर बच्चों टोटल जो है फाइव मिनिट्स है बच्चों अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर कर दो क्योंकि आज दो तीन दिन बाद क्लास हुई है इसलिए बच्चों को थोड़ी दिक्कत होगी आज बच्चों जो पांच ने रीट्स है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते अगला क्वेश्चन दिखाइए अगला क्वेश्चन है In a high flying aeroplane, the ink of the fountain pen leaks out because leaks out because किस कारण से वायुयान में fountain pen की स्याही leak हो जाती है? नंबर थर्ड है बच्चों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्थ संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू संतोष ट्रॉफी का संबंध किस गेम से है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है किस गेम से है बच्चों फर्स्ट इज द राइट आंसर फुटबॉल संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं हम लोग द लोकसभा इस कार्ड इन सेशन एट लीस्ट लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है कितने समय में एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जाता है बच्चों बी इज द राइट आंसर ट्वाइस ईयर वर्ष में दो बार क्वेश्चन में सिक्स करते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में होता है ये आप लोगों को बताना है ऑप्शन आपके सामने है डायमंड वाटर वैक्यूम या हाइड्रोजन सी इज द राइट आंसर वैक्यूम दिवे जी क्लास के बाद आप मुझे आप एक बार कॉल कर लेना क्योंकि अभी मुझे सेट बनाना था इसलिए मैंने आपकी कॉल पिकअप नहीं की होगी पिक नहीं की होगी चलिए अगला क्वेश्चन करते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवंथ क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क ऑर्गेनाइजेशन कितने देश सार्क संगठन के सदस्य हैं क्योंकि स्लाइडिंग बनाने में समय लगता है पता ही भाई कितने देश सार्क संगठन के सदस्य हैं जल्दी आंसर दीजिए देखिए सार की जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी ठीक है ना और प्रारंभ में इसके जो थे सात सदस्य थे 2007 में अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया था तो आठ सदस्य वर्तमान तो में ठीक है आपका आंसर सही आ रहा है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एट विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और टोटली इमर्स इन ए फ्लू इट एक्सप्रेसिस एक्सपीरियंसिस एंड अपर थ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूड रिप्लेस्ड बाय इट बताइए कौन सा आंसर राइट होगा ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर आकडिस का सिद्धांत है Next question, question number nine. Which of the following may be used by Reserve Bank of India as a tool of draining out excess money from the system? Which will be right answer? Fast, fast. Fourth is the right answer? Option fourth? ओनली एट बी यानी फर्स्ट और सेकंड राइट है क्वेश्चन नंबर टेंथ करते हैं हम लोग सेट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ नेसेट किस देश की संसद का नाम है इसराइल इज द राइट आंसर थर्ड ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं इलेवंथ The use of which will pollute the environment. This is one. किसका प्रयोग पर्यावरण को प्रदूषित करता है ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर लॉन क्लॉथ कैरी बैग अगला क्वेश्चन करते हो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ फास्ट फास्ट वेन कोल एंड पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल आर बंट द प्रोडक्ट ऑफ कंजन आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ ऑल प्रोडक्ट Of consumption of these fuels, which one does not affect the environment? फोर्थ इज द राइट आंसर बच्चों नाइट्रोजन ऑक्साइड क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा हमारा? 12. है हमारा बारह ठीक है ट्वेल्थ चल रहा है बच्चों uh... आंसर जो आएगा इसमें फर्स्ट रहेगा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ दीज कंप्राइज ऑफ ब्लड निम्नलिखित में से कौन रक्त में शामिल होता है फोर्थ इज द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन पर फोड़ी अर्थवॉम एक्सक्रीड कैचुआ उत्सर्जित करता है फास्ट फास्ट जल्दी बताइए बिल्कुल राइट आंसर है अमोरिया क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन करते हैं हम लोग सिली इज ए टर्म रिलेटेड विद द गेम ऑफ बच्चों क्रिकेट इज द राइट आंसर स्क्वायर के थोड़ा आगे जो खड़ा होता है उसे सिली पॉइंट कहा जाता है ना जो खिलाड़ी खड़ा होता है उसे सिली पॉइंट कहा जाता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सेकेंड इज द राइट आंसर बिल्कुल सही इंटेस्टाइन सेवेंटीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर विटामिन डी क्वेश्चन पर एटीन करते हैं हम लोग ऑप्शन फर्स्ट सॉरी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर यूएस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन शर्ब नाइटीन फास्ट फास्ट बच्चों बी इज द राइट आंसर स्टे स्टेट यूनिवर्स नेक्स्ट सेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 फोर्थ इज़ द राइट आंसर टेन्सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया फोर्थ इज द राइट आंसर बच्चों ये जो लेक है चलिए ये भी बता दीजिए कहां पर स्थित है ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर विम्बानंद झील कहां पर स्थित है भाई केरला में स्थित है ठीक है केरल की झील है और नेहरू ट्रॉफी डोका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन इसी झील में किया जाता है ठीक है कभी क्वेश्चन आ सकता है कि नेहरू ट्रॉफी डोका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जाता है किस झील में किया जाता है तो आप लोग याद रखें विमन झील केरला अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू Fast, fast. बच्चों फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश बिल्कुल सर राइट निकिता अगला क्वेश्चन करते हैं किशनबाड़ ट्वेंटी थर्ड बताइए ब्रह्मपुत्र नदी काफी बड़ी नदी है और जहां जहां से गुजरती है उन क्षेत्रों में उसका नाम चेंज होता जाता है उसकी पहचान उस नाम से जो स्थानीय लोग करते हैं बच्चों फोर्थ इज अ राइट आंसर आएगा आपका आंसर यह जो है हिमालय के अंशी जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है और तिब्बत में इसका नाम जो होता है यारलुंग तू होता है और चीन और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियोम के नाम से जाना जाता है असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है और जब ये गंगा से मिलती है बांग्लादेश में तो इसे पदमा कहा जाता है ठीक है सॉरी गंगा जो है बांग्लादेश में जाती है तो उसे पदमा कहते कहते हैं और पदमा में जब ब्रह्मपुत्रा मिलती है तो उसका नाम मेघरा हो जाता है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ श्रेव ट्वेंटी फोर्थ है जल्दी बताएं भाई विल बी राइट आंसर बच्चों फर्स्ट इज द राइट आंसर डॉर्मन प्रिचार्ड 1900 में पेरिस में आयोजित की गई थी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल और ये भारत की तरफ से एक एकमात्र खिलाड़ी थे इन्होने 200 मीटर बाधा दौड़ में सेकंड पोजीशन प्राप्त की थी और दो रजत पदक प्राप्त किए थे दोनों देख चलिए नेक्स्ट शिक्षा करते अब लोग किशन भर ट्वेंटी फिफ्थ जल्दी आंसर बताया इसका बच्चों इसके तुरंत बाद हम लोग रेजरी का सेट स्टार्ट करेंगे अभी अभी साथ साथ शुरू कर देंगे तो आप लोग बने रहे बच्चों इसमें जो आंसर आएगा बी इज द राइट आंसर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी आप लोग लेट भी जुड़े थे आज चले कोई बात नहीं रिजरिक वाला सेट उठाएंगे आप लोग ओके